नमस्कार, आइए शुरू करते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री जो क्लास 10th मैथ में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो इससे पहले हम लोग जो यानी आपको पता है एनसीईआरटी बुक का हम लोग एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व कर रहे हैं। तो 8.1 में 6 नंबर सवाल हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला सवाल एक्सरसाइज 8.1 में 7 नंबर सवाल। तो देखिए आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर सवाल, रहा है ये सवाल को देखिए ध्यान से आप लोग। सवाल में बोला गया है 7 नंबर, देखिएगा। इफ कॉट थीटा बराबर, इफ कॉट थीटा बराबर 7/8, 7/8 रेशियो में दिया हुआ है, 7/8 इवेल्युएट, आपको वैल्यू निकालना है। पहला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और दूसरा फिर वैल्यू निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। सवाल देख चुके हैं, ठीक है। तो हाँ, सवाल हटाया जाए, आइए सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सवाल आप लोग देख चुके हैं, आइए 7 नंबर सवाल सॉल्यूशन। गिवन दिया हुआ है आपको कॉट थीटा बराबर 7/8, ये दिया हुआ है। हम आपको बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में, आप देखिए होइएगा, ये जैसे रेशियो में होता है तो आपको कुछ कांस्टेंट वैल्यू मानना होता है। क्यों? क्योंकि देखिए 7/8 प्रॉपर लिखने का वैल्यू का मतलब ये नहीं निकलता है कि 7/8 इसका वैल्यू है, ये रेशियो में रिप्रेजेंट करता है। डेट मीन्स यदि हम 2 से 2 और गुना कर दें, यदि हम 14/16 लिखें तो ये भी 7/8 ही है, या फिर हम इस तरह से लिखें 7 × 3 8 × 3 यानी 21/24, तो ये भी 7/8 ही है। तो इस तरह से हम जो है इसका अपने मन से कुछ कांस्टेंट रेशियो मान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं लेट कांस्टेंट रेशियो रेशियो बराबर के, मान लिए आप हमें देखिए इसका जैसे हम फिगर बनाएं, तो जैसे मानते हैं एक कोई राइट एंगल बना रहे हैं इस तरह से, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ एंगल हम बना रहे हैं थीटा, ठीक है। ये एंगल आपका थीटा है, नाम दे देते हैं, जैसे नाम दे दिए ए बी और सी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कॉट थीटा, तो थीटा ये है इस एंगल पर, ये तो आपका एच हो गया, और जिस एंगल जिस साइड पर एंगल है वो आपका बेस हो गया, और ये आपका पी हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो कॉट थीटा बराबर आपको क्या पता होता है? कॉट थीटा बराबर होता है आपको बी बाय पी, ठीक है, बी बाय पी कॉट थीटा बराबर होता है, क्योंकि टेन थीटा का उल्टा होता है टेन थीटा पी बाय बी, और कॉट थीटा बी बाय पी। तो ध्यान से आप देखिए कि यदि हम यहां पर आपको कांस्टेंट रेशियो के जैसे लिए हैं तो ये आपको हो जाएगा 7/8, 7/8 जैसे यहां पर हम कांस्टेंट इसका के है, इसका के माना के मान लिया जाता है, इतना के है, ये आपको है कितना बराबर बी बाय पी। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं बी बराबर कितना हो गया आपको 7 के, और P बराबर आपको कितना हो गया 8 के, ठीक है। B और P हमें निकल गया। देखिए अब हमें पहला जो सॉल्यूशन में फाइंड करना है वो क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसका वैल्यू हमें बताना है। आप हमें ये बताइए कि यदि हमें साइन थीटा का वैल्यू चाहिए तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच, तो एच तो हमें नहीं पता है, पी और बी पता है। फिर उसी तरह कॉस थीटा हमें चाहिए तो हमें चाहिए बी बाय एच, तो बी तो हमें है एच नहीं पता है। तो पहला हमारा काम बनता है इस सवाल को सॉल्व करने से पहले कि हम पाइथागोरस का हेल्प लेके एच का वैल्यू फाइंड करें, ठीक है।
तो बनाते हैं यहां से इन ट्रायंगल ए बी सी। तो आप जानते हैं वी नो डैट, वी नो डैट आप क्या जानते हैं, ए सी का स्क्वायर यानी यही आपका एच है इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस, ए बी स्क्वायर यहां प्लस हो जाएगा बी सी स्क्वायर। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को ना? तो अब आप देखिए, या तो आप यदि h से रिप्रेजेंट करना चाहें तो h से ही रिप्रेजेंट कर दें, h स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए बी कितना है आपको, ए बी यानी b है, b का वैल्यू कितना है 7k, तो 7k का स्क्वायर प्लस ये हो गया 8k का स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं ये कितना हो गया 49k स्क्वायर प्लस ये हो गया 64k स्क्वायर, ऐड करिएगा तो 113। ठीक है, 9 4 3 13 होता है। ठीक है, ये k स्क्वायर इतना हुआ। अब यदि हम h का वैल्यू पूछें आपसे तो h बराबर आप बोलिएगा अंदर रूट हो जाएगा 113 और k स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर होके इनटू k। ठीक है, h का वैल्यू ये निकल गया। अब आइए, हमें मिल गया p, मिल गया b, मिल तो p भी दिया हुआ था, h भी हमें मिल गया। तो आइए अब ये सवाल में पहला सवाल का सलूशन करते हैं। अच्छा देखिए, हम डायरेक्ट दोनों का साइन का वैल्यू यहाँ भी, साइन का वैल्यू यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप हमें थोड़ा ध्यान से एक चीज बताइएगा, आप एलजेब्रा पढ़े होइएगा, एलजेब्रा में आप ऐसा फॉर्मूला पढ़े होइएगा कि यदि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है तो क्या होता है फॉर्मूला, आपको पता होगा यदि a प्लस बी ए माइनस बी होता है तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए, ये फॉर्मेट है आपका a प्लस बी, ए की जगह है 1 और b की जगह है साइन थीटा, तो a प्लस बी और a माइनस बी। उसी तरह फिर यहाँ a प्लस बी, ए की जगह 1 और b की जगह cos थीटा और a माइनस बी। तो क्या हम लिख सकते हैं ना इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें इसी का वैल्यू चाहिए, तो आप ध्यान से देखिए 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, हम थोड़ा यहाँ आपको बना के दिखाते हैं। यदि हम बोले आपको कि साइन थीटा बराबर क्या होगा तो आप बहुत प्यार से बताइएगा, साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच, और पी क्या है, पी है आपको 8k बाय एच कितना है अंदर रूट 113k। ठीक है, यही है आपका, तो k से k यहां खत्म हो गया, 8 बाय 113 रूट अंदर है तो 8 बाय रूट अंदर 113 और इसका स्क्वायर। ठीक है, बटे ध्यान दीजिएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब यदि हम आपसे पूछें कि आप बताइए, यहां पर हम ये थोड़ा बॉक्स बना लेते हैं इस तरह का, साइन थीटा है। अब यदि हम पूछें आपसे कॉस थीटा बराबर क्या होगा तो आप बोलिएगा बी बाय एच, और बी क्या दिया हुआ है 7k और एच क्या दिया हुआ है अंदर रूट 113k, तो ये के खत्म। ठीक है, तो कॉस का वैल्यू यहां कितना आ गया 7 बाय अंदर रूट 113 इसका होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे आइए सॉल्व करते हैं। देखिए 1 माइनस ये 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 बाय ये 113 रूट हट गया। अब देखिए बटे यहां करेंगे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बाय 113। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग इसको बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या देखिए बराबर यदि हम यहां एलसीएम ले लें 113 तो यह 113 हो जाएगा माइनस 64, और फिर नीचे में भी एलसीएम यदि हम ले लें 113
ये हो जाएगा 113 माइनस 49, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए इसको, सिंपल सा जोड़ घटाव है तो ये सभी को आता होगा सॉल्व करना। यहाँ देखा जाए, थोड़ा वीडियो में आ रहा है ये, ठीक है, पीछे आ रहा है ना, तो ये ठीक है आ रहा है, तो ये 13 हो गया। उसके बाद देखिए ये जब घटेगा ये कितना हो गया आपको 9 और ये 4, 49 बाय 113 बटे यहाँ पर आपको कितना हो गया 64 बाय 113, ठीक है। तो देखिए आप 113 ऐसे भी काट सकते हैं, या फिर कुछ बाबू ऐसे नहीं समझते हैं तो हम थोड़ा ऐसे लिख देते हैं 49 बाय 113 गुना, ये उलट जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, तो मल्टीप्लाई करिए करेंगे 113 बाय 64, तो ये दोनों आपका कट गया, तो आंसर क्या आ गया 49 बाय 64, ठीक है। तो ये आपको इस सवाल का आंसर हो गया 49 बाय 64। पहला सवाल ये जो पूछ रहा था आपको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसी में दूसरा सवाल है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताना है हम सवाल, इसको नोट करिए। सवाल आपके सामने एक बार फिर से आ रहा है, देखिए दो नंबर में क्या था, दो नंबर में आपको निकालना था सवाल, देखिए दो नंबर में आपको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, दो नंबर में कॉट स्क्वायर थीटा। आइए दो नंबर का सॉल्व करते हैं सवाल, सवाल आप लोग देख रहे हैं, देखिए सवाल हटाया जा रहा है, ठीक है सवाल हटाया जा रहा है। आइए कॉट स्क्वायर थीटा इसको निकालने के लिए तो हमको नहीं लगता है कुछ विशेष का जरूरत है, कॉट थीटा आपको दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा उसी का स्क्वायर कर देना है। जैसे कि हम यहाँ k के रूप में कॉन्स्टेंट वैल्यू लेके किए थे तो यहाँ कर देंगे 7k का स्क्वायर बटे 8k का स्क्वायर, तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं 49k स्क्वायर बटे 64 k स्क्वायर खत्म 49 बाय 64। ये सवाल नहीं भी बताते ना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि आप लोग उतने बुद्धिमान जरूर हैं कि आपसे बन जाएगा, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, 7 नंबर सवाल कर चुके हैं, उसके बाद हम लोग 8 नंबर सवाल देखेंगे, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।